देखिए, गरुड़ पुराण में अपमृत्यु या अकाल मृत्यु किसी व्यक्ति की हुई है तो उनकी मुक्ति के लिए कुछ विशेष प्रकार के उपाय बताए गए हैं। जब व्यक्ति अकाल मृत्यु मरता है, समय से पूर्व असमय जिसकी मृत्यु होती है, सर्प के काटने से किसी की मृत्यु होती है, एक्सीडेंट इत्यादि से किसी की मृत्यु होती है, किसी घात से किसी की मृत्यु होती है, या व्यक्ति स्वयं जो है आत्महत्या करता है, तो ये सब अपमृत्यु या अकाल मृत्यु के अंतर्गत आती है। ऐसे प्राणियों की सदगति साधारण रूप से नहीं होती है, ऐसा गरुड़ पुराण में वर्णन आया है। और जब तक इन प्राणियों के लिए जो निश्चित उपाय कहे गए हैं वे उपाय नहीं किए जाएं, तो उनके परिवार में जो है उस आत्मा के भटकते रहने से या अतृप्त रहने से परिजन दुखी रहते हैं, विभिन्न प्रकार की आपत्ति विपत्ति संकटों में रहते हैं, और परिजनों की कुंडली में पितृ दोष या प्रेत दोष इत्यादि आ जाता है, जिसके कारण उनके जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं बनी रहती हैं। तो यदि किसी के जन्म कुंडली में पितृ दोष हो, प्रेत दोष हो, या परिवार में किसी की अकाल मृत्यु हुई हो, ऐसी स्थिति में उस अकाल मृत्यु का निवारण करने के लिए नारायण बलि की पूजन का विधान कहा गया है। यह नारायण बलि की पूजन का जो विधान कहा गया है, इसमें ब्रह्मा विष्णु और शिव, इनके साथ यम और प्रेत, इनके सूक्त होते हैं, ब्रह्म सूक्त, विष्णु सूक्त, यपर सूक्त, रुद्र सूक्त, यम सूक्त, प्रेत सूक्त, इनका 5 ब्राह्मणों का वरण करके 5 ब्राह्मणों के द्वारा विधान पूर्वक इन सूक्तों का पाठ कराना चाहिए। इन सूक्त के पाठ के उपरांत ब्रह्मा विष्णु रुद्र सहित जो अन्य देवता हैं उन सभी के कुल मिलाकर के उस प्रेत सहित 16 पिंड का दान किया जाता है, 16 पिंड दान करना चाहिए। पिंड दान के पश्चात तर्पण होता है, हवन होता है और विभिन्न प्रकार के दान होते हैं। तो विधान पूर्वक जैसा हमने विधान बताया है, ऐसी नारायण बलि त्रिदिवसीय होती है, 3 दिन की होती है, 5 ब्राह्मणों के द्वारा होती है, 5 देवों के सूक्त होते हैं और पिंडदान इत्यादि की जो विधि है, हवन इत्यादि की विधि संपन्न होती है। और मुख्य तौर पे किसी पवित्र नदी के तट पर इस नारायण बलि के विधान को किया जा सकता है। वैसे प्रचलन में त्र्यंबकेश्वर में नारायण बलि होती है, वाराणसी में नारायण बलि होती है, और माँ नर्मदा के किसी भी तट पे किसी भी घाट पर नारायण बलि की जा सकती है। नारायण बलि का विधान करने से उस प्राणी को सदगति की प्राप्ति होती है, उसकी आत्मा को शांति की प्राप्ति होती है, उसकी आत्मा प्रेत योनि से मुक्त हो जाती है और वह अतृप्त नहीं रहती, वह तृप्त हो जाती है। और ऐसा करने से जब वह आत्मा वह प्राणी तृप्त हो जाता है, सदगति को प्राप्त करता है, तो परिजनों के ऊपर जो भी आपत्ति विपत्ति संकट रहता है उन सबका निवारण होता है और सुख शांति की उनको प्राप्ति होती है।